ओडिशा में हुए रेल हादसे के बाद हर कोई सन्न है। उस भयानक रात का मंजर अभी तक लोगों की आंखों के सामने घूमता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ट्रेन त्रासदी के पीछे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाए। दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के मुख्य परिचालन प्रबंधक का एक पुराना पत्र भी सामने आया, जिसमें उन्होंने 3 महीने पहले ही सिस्टम में गंभीर खामियों के बारे में चेतावनी दी थी और इंटरलॉकिंग सिस्टम फेलियर के बारे में भी चिंता जताई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधन ने 9 फरवरी को एक एक्सप्रेस ट्रेन के सिग्नल फेल होने की चिंता जताई थी, जो एक लोको पायलट की सतर्कता के कारण टल गई थी। इस पत्र में उन्होंने 8 फरवरी 2023 को हुई बहुत गंभीर असामान्य घटना का जिक्र किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पत्र में वो कहते हैं कि घटना 8 फरवरी को हुई। घटना से संकेत मिलता है कि सिस्टम में गंभीर खामियां हैं, जहां एसएमएस पैनल पर रूट के सही दिखने के साथ सिग्नल पर ट्रेन शुरू होने के बाद डिस्पैच का मार्ग बदल जाता है। ये इंटरलॉकिंग के सार और बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाए और दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों की सिग्नलिंग प्रणाली में मौजूद खामियों को ठीक करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। जानकारों के मुताबिक अधिकारी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर सिग्नल रखरखाव प्रणाली की निगरानी नहीं की गई और उसे तुरंत ठीक नहीं किया गया तो इससे और गंभीर दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इस पत्र के सामने आने के बाद बालासोर रेल दुर्घटना को लेकर रेलवे पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार देर रात 2 पैसेंजर ट्रेनों और एक मालगाड़ी के आपस में टकरा जाने से कम 275 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेल मंत्री ने इसके बाद बयान देते हुए कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जांच की और जांच रिपोर्ट आने दीजिए, लेकिन हमने घटना के कारणों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विश्व पर खबर उपलब्ध है। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।